उत्तरकाशी बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। 4 लोग अभी भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। बस हादसे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौके का मुआयना किया और अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। इस हादसे के बाद उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने भी यमुनोत्री मार्ग पर हुए दुर्घटना स्थल का दौरा किया। परिवहन मंत्री ने कहा कि दुर्घटनाग्रस्त इलाके के दौरे के बाद कहा है कि घटना स्थल पर रोड सेफ्टी की कमी पाई गई है, जिसकी जांच कराने के आदेश दिए गए हैं। यमुनोत्री मार्ग पर कामता के पास कल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। हमारी एक चार धाम यात्रा की बस गिरी, जिसमें लगभग 26 यात्री दिवंगत हुए और लगभग 3 या 4 यात्री घायल हुए। ये बस दुर्घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मृतक आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को शक्ति दे भगवान, ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ। घटना स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय चौहान जी और अपने सभी अधिकारी और मैं स्वयं घटनास्थल का मौका मुआयना किया और कल रात ही हमारे स्थानीय लोगों के माध्यम से, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से द्रुत गति से जो बॉडी निकालने का काम किया गया वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे संज्ञान में आया कि परिवहन विभाग के कुछ अधिकारी, पुलिस के लोग और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत अच्छा काम इस रेस्क्यू में किया है और मुझे लगता है कि इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमको कोई ठोस नीति बनानी पड़ेगी। लगातार प्रयास हम कर रहे हैं, हमने प्रयास किया है कि जन हानि न हो और इसी बीच हमने एक बैठक भी ली थी, परंतु ये जो दुर्घटना हुई ये रोड सेफ्टी के हिसाब से भी इसमें बहुत सी कमियां थी। NH की रोड होने के बावजूद भी रोड सिंगल है, इसका निर्माण होना बहुत आवश्यक है। रोड के किनारे डिवाइडर वगैरह भी इसमें नहीं लगे थे, इसकी जांच भी हम कराएंगे और दुर्घटना की जांच कराने के आदेश भी पहले दे चुके हैं और मैं मानता हूं कि ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हमारा विभाग भी और सरकार भी कोई ठोस योजना बनाएगी ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बीजेपी के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल ने भी मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सक्रिय हो गया है, राहत और बचाव कार्य तेजी से किए गए और जो घायल थे उनको जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्गेश लाल ने कहा कि ये काफी दुखद घटना है। बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरीके से कल ये सूचना मिली थी मुझे नियर अबाउट 7 बजे के आसपास के शाम के, और मैंने तुरंत जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचित कर दिया था और उसके बाद जिला प्रशासन और हमारे जितने भी प्रशासन की टीमें थी, NDRF SDRF तमाम लोगों ने रेस्क्यू किया और उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने निगरानी बना रखी थी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी उस पर पर्सनली उसको देख रहे थे और मैंने भी जो मेरे से हुआ या क्षेत्र के लोगों ने वहाँ पर भरपूर सहयोग किया, लेकिन 26 लोगों की उसमें मृत्यु हुई, उनके प्रति मेरी संवेदना है, उनके परिवार के शोक में मैं उनके साथ खड़ा हूँ और मैं मृतकों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।